हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस दिस थर्ड टॉपिक रिपीटेड इंटीग्रल्स. ओके, वी विल सी व्हाट आर रिपीटेड इंटीग्रल्स एंड देन वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस एंड सम कॉन्सेप्ट्स ऑन डबल इंटीग्रल्स. ऑलराइट, सो इटरेटेड इंटीग्रल्स बोल लीजिए या फिर और वेदर वी कॉल इट रिपीटेड इंटीग्रल्स. दिस मीन्स सी, अभी तक आपने एक इंटीग्रल वाले क्वेश्चन किए हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस. ओके, दिस इज कॉल्ड एन इंटीग्रल. और अगर पूरा बोलना है दैन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल. एंड इफ यू पुट सम लोअर लिमिट एंड सम अपर लिमिट दैन इट बिकम्स अ डेफिनिट इंटीग्रल. बट इस टाइप के इंटीग्रल में एक ही इंटीग्रल साइन है. ओके, एंड वी हैव ओनली वन वेरिएबल. बट सपोज वी हैव double integrals, two integral signs, and suppose we have some lower limit here and some upper limit here, and this is an iterated integral or a repeated integral. ठीक है, उसी तरह से अगर इस टाइप का क्वेश्चन है लाइक दिस dx, dy, dz, here we put limit of x from suppose 2 to 3, limit of y from 5 to 7, limit of z from 1 to 2, and this is also an iterated integral or repeated integral. So repeated integral or iterated integral means इसमें एक या एक से ज़्यादा इंटीग्रल्स हैं. ठीक है, बेसिकली डबल इंटीग्रल या ट्रिपल इंटीग्रल हो. तो डबल इंटीग्रल्स एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स बोथ आर रिपीटेड और इटीरेटेड इंटीग्रल्स. एंड इन टूडेज वीडियो वी विल सी how to solve, we will learn how to solve examples based on double integrals. Triple integrals wale questions hum next lecture mein discuss karenge, but in this video we will cover double integrals only. Alright, so first we come here, Fubini's theorem, which says that if f is a continuous function on some rectangle R, which is this. Dekho pehle isko thoda samajh lete hain, what is this. Suppose this is y-axis, this is x-axis, okay, and suppose this is x is equal to a, this is x is equal to b, and this is y is equal to c, this is y is equal to d. So yahan pe jo integral de rakha hai aapko, sorry, jo rectangle de rakha hai, this is closed interval a to b, aur ye x ki limits hain, x ki values hain, x interval hai ye, aur ye y interval hai. Okay, y-axis pe interval hai, to x-axis pe a to b hai. A to b matlab yahan se yahan tak. ए और बी के बीच के पॉइंट्स लेने हैं हमें एक्स के, और वाई की जो वैल्यू लेनी है वो हमें सी और डी के बीच की वैल्यू लेनी है. ठीक है, तो सपोज हम एक्स की वैल्यू लेते हैं ए, वाई की वैल्यू लेते हैं सी, सो वी गेट दिस पॉइंट. ओके, सपोज वी टेक एक्स इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू डी, वी गेट दिस पॉइंट. सपोज वी टेक एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू एनी पॉइंट बिटवीन डी एंड सी, देन वी गेट दिस. उसी तरह से हमें इस सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे. ठीक है, सारे पॉइंट्स, ये जो रेक्टेंगल बना है इसके बाउंड्री के भी पॉइंट्स और बीच के भी सारे पॉइंट्स. सो ये दिस इज द रेक्टेंगल आर. ओके, सो आर इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ दिस सर्किल, एंड आर ऑल्सो कंटेन्स द पॉइंट्स विच आर इनसाइड दिस रेक्टेंगल. ठीक है, सो दिस इज आर. ओके, मतलब आर ये है, ये जो रेक्टेंगल बना है उसके अंदर के पॉइंट्स और बाउंड्री के पॉइंट्स भी हैं आर में. एनी वेज, आर पे इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें फोकस करना है डबल इंटीग्रल्स में. तो इस सभी क्वेश्चन आएंगे, या कुछ फंक्शन दिया रहेगा एफ ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, सपोज ऐसे दिया हो सकता है एक्स स्क्वायर वाई या एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, कुछ भी दे सकते हैं. और यहाँ पर डी वाई डी एक्स लिखा रहेगा और ऐसे लिखा रहेगा, और या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी वाई डी एक्स की जगह डी एक्स डी वाई. दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर देखिए दो इंटीग्रल्स हैं यहाँ पे, राइट, दिस इज इनर इंटीग्रल, दिस इज आउटर इंटीग्रल. ठीक है, तो इनर इंटीग्रल के साथ डी वाई आएगा क्योंकि ये अंदर है, ये वाला इंटीग्रल भी अंदर है, तो ये एक चीज़ है. ओके, दैट मीन्स अगर हमारे पास डी वाई है तो ये वाई की लिमिट्स हैं सी टू डी. उसी तरह से आउटर इंटीग्रल ये है और आउटर डेरिवेटिव ये है, चूँकि एक्स डी एक्स है तो इसका मतलब ये एक्स की लिमिट्स है यहाँ पे और ये वाई की.
और यहाँ पर इस क्वेश्चन में, इस वाले एक्सप्रेशन में आप देखोगे कि ये जो इनर लिमिट्स हैं इनर इंटीग्रल की, ये एक्स की लिमिट्स हैं, ओके सॉरी, ये एक्स की लिमिट्स हैं और ये वाई की हैं, और ये यहाँ पर वाई की लिमिट्स हैं और ये एक्स की, हाँ ये वाई की लिमिट्स हैं एक्स की, ठीक है। सो नाउ वी मूव ओवर टू द नेक्स्ट पेज व्हिच इज दिस। यहाँ पर देखिए आप, नाउ ऑन सम लेवल दिस इज जस्ट नोटेशन एंड डज नॉट रियली टेल अस हाउ टू कंप्यूट द डबल इंटीग्रल। मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा था, ये जो पढ़ा है ये जस्ट एक नोटेशन है, मतलब इससे हमें ये नहीं पता चल रहा कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, जस्ट जस्ट नोटेशन, ओके। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सपोज हमारे ऐसे कुछ डबल इंटीग्रल दे रखे, इसकी इसको निकालेंगे कैसे, फाइंड आउट कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या है, दिस इज द फॉर्मूला जो लिखा है यहाँ पे, फॉर्मूला कह लीजिए या डबल इंटीग्रल की डेफिनेशन कह लीजिए, इसको इवेल्युएट करने का जो तरीका है, जो फॉर्मूला है वो है ये। मतलब अगर आपको कुछ ऐसा दिया जाता है, ऐसे सपोज ये ऐसा है ए टू बी सी टू डी सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई डी वाई डी एक्स डी एक्स, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले हम इनर इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आएगा फिर वो जो आएगा वो एक फंक्शन बन जाएगा एक्स और वाई का, ठीक है। तो एक नया डेफिनेट इंटीग्रल तैयार हो जाएगा हमारे पास, जिसमें जो इंटीग्रल होगा वो है होगा आउटर इंटीग्रल और लिमिट्स होंगी ए टू बी, ठीक है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम दो इंटीग्रल्स को सॉल्व कर रहे हैं, पहले अंदर वाला फिर बाहर वाला, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हम समझते हैं इसको पहले, और सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ दिस डबल इंटीग्रल। यहाँ पे जो आर दे रखा है, कभी कभी यहाँ लोअर लिमिट्स और एंड अपर लिमिट्स दोनों दोनों इंटीग्रल्स के लिए दी हुई होती है, कभी कभी आर लिखा होता है और लिखा जाता है कि आर इज दिस। तो यहाँ से आपको समझ जाना है कि ये जो है एक्स के लिमिट्स हैं जी 2 to 4, और ये कहाँ पे आएंगी इसको देखेंगे अभी। और एक और बात, यहाँ पर डी ए लिखा है, ओके, वेर ए इज़ द एरिया इन साइड द रेक्टेंगल आर। तो डी ए को पहले आप डी एक्स डी वाई या फिर डी वाई डी एक्स लिखेंगे, ओके। तो इसको देखते हैं हम, हमने क्या किया है, ये रहा हमारा क्वेश्चन, ओके। सो इन्होंने डी ए को लिख दिया डी वाई डी एक्स, आप डी ए को डी एक्स डी वाई भी लिख सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते थे इसको डी एक्स डी वाई, बट इस केस में आपको यहाँ पर एक्स की लिमिट रखनी होती और यहाँ पर वाई की, ठीक है। और पहले हम रेक्टेंगल में वापस जाते हैं, एक्स है 2 से 4, वाई है 1 से 2, ठीक है। सो एक्स इज़ फ्रॉम 2 to 4, ये देखिए यहाँ पर ये एक्स की लिमिट्स हैं 2 to 4, ठीक है, और ये वाई की लिमिट्स हैं 1 to 2। हमारे वाले केस में अगर हम डी वाई डी एक्स की जगह पे डी एक्स डी वाई करते हैं तो हमें एक्स की लिमिट यहाँ रखनी पड़ेगी 2 to 4, और वाई रखना पड़ेगा 1 to 2। दोनों को सॉल्व करके सॉल्यूशन सेम आने वाला है, ठीक है, ये लिखा भी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सो सपोज जैसे इन्होंने किया है उसी को फॉलो करते हैं, डी वाई डी एक्स है, अंदर वाली लिमिट्स वाई की हैं, बाहर वाली लिमिट एक्स की है। तो पहले अंदर वाला इंटीग्रल सॉल्व करेंगे हम, राइट, इस तरह से। तो ये इसकी वैल्यू ये होगी अंदर वाली लिमिट, अंदर वाली लिमिट्स, अंदर वाले इंटीग्रल को उन्होंने सॉल्व कर लिया, अंदर वाला इंटीग्रल ये था आपका 6xy² डी वाई फ्रॉम 1 to 2, ऐसा। अब इसको सॉर्ट आउट कर सॉल्व करना पहले, ओके। तो इसमें देखिए डी वाई है मतलब वाई वेरिएबल हमारा, ठीक है, डी वाई है, यहाँ पे वाई की लिमिट्स हैं तो वाई वेरिएबल है, तो वाई के अलावा जो भी वेरिएबल है उसको हम कांस्टेंट मानेंगे। तो एक्स को हम एक कांस्टेंट की तरह लेंगे, तो 6 भी कांस्टेंट है, तो ये 6x बाहर आ गया। इन्होंने बहुत शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे, धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी देन यू विल ऑल्सो स्किप द स्किप सम स्टेप्स, कुछ स्टेप्स आप स्किप करने लग जाओगे। तो ये हो गया हमारा वाई स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, वाई क्यूब वाई 3, ठीक है, और 1 to 2, ये 3 बार आ जाएगा, तो ये 6x/3 हो जाएगा 2x, यहाँ वाई क्यूब हो जाएगा फ्रॉम 1 to 2, पहले 2 की वैल्यू रखेंगे 2 क्यूब हो गया 8, फिर 1 की वैल्यू रखेंगे ये 1, ये 7 हो गया, 14x हो गया, ये 14x आ गया, राइट। तो उसके बाद हमारा नया इंटीग्रल स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम डी एक्स है तो ये एक्स की लिमिट्स हैं, और यहाँ पर अंदर भी एक्स है तो उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, 14 बाहर आ जाएगा और एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, जो
14 बाई 2 7 हो जाएगा, उसको सॉल्व करोगे 84 आएगा, ठीक है। उसी तरह से देखिए इन्होंने दूसरा मेथड भी सॉल्व कर दिया है, जो हमने यहाँ पे देखा था कि अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं सिक्स एक्सिस एक्स वाई को डी एक्स डी वाई लिखते हैं, तो वो भी इसने सॉल्व कर रखा है डी एक्स डी वाई वाला। इस वाले में पहले अंदर वाला इंटीग्रल सॉल्व करेंगे हम ये वाला, तो इसमें एक्स क्या है वेरिएबल है और वाई कांस्टेंट है, ठीक है। तो वाई कांस्टेंट है तो सिक्स भी कांस्टेंट है, एंड सिक्स वाई स्क्वायर बाहर आ गया, एंड यू गेट दिस एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे सिक्स वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, फिर फोर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू टू बाहर आ गया, अंदर हो गया एक्स स्क्वायर टू टू फोर, इसको सॉर्ट आउट करेंगे वी विल गेट दिस 84 सेम आंसर, ठीक है। सो दिस वॉज इट। नाउ वी डू अनदर एग्जाम्पल विच इज़ दिस, ना देखेंगे यू कैन सी दैट इस इन्होंने डी ए को डी वाई डी एक्स लिख दिया है, आप चाहें तो डी एक्स डी वाई भी लिख सकते हैं, बट बी केयरफुल व्हेन यू राइट द लिमिट्स, लिमिट इंटरचेंज हो जाएंगी, ठीक है, अगर आप डी एक्स डी वाई लिखते हैं तो। एनी वेज इस केस में ये जो इनर लिमिट्स हैं इन साइड लिमिट्स 0 to 3 ये वाई की हैं और ये एक्स की हैं, तो इसको सॉल्व किया इन्होंने और ये आ गया -756, ओके। अंदर वाले इंटीगल सॉल्व करते समय वाई के विद रेस्पेक्ट निकाल रहे हैं इंटीगल, तो एक्स हमारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है, तो टू एक्स का इंटीगल हो जाएगा टू एक्स वाई, वैसे इसका हो जाएगा 4y की पावर 4/4। ऐसे सॉर्ट आउट सॉल्व करते रहेंगे एंड वी विल गेट -756 विच इज़ द आंसर। ये इन्होंने लिखा है कि रिमेंबर दैट व्हेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑल एक्स आर ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट एंड सो ऑन। उसी तरह से और भी क्वेश्चन हैं, ये आप देख सकते हैं इन्होंने सॉल्व किए हुए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। These are the questions, okay. Okay, इस वाले क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं। सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डबल इंटीगल वेयर ओवर द रेक्टेंगल आर वेयर आर इज गिवन बाई दिस, दीज आर लिमिट्स ऑफ एक्स, दीज आर लिमिट्स ऑफ वाई। सो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बिकॉज इसमें दिखाया गया है कि हर बार जैसे कि मैंने बोला था कि डी ए को आप डी एक्स डी वाई भी लिख सकते हैं, डी वाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, तो बेसिकली वी हैव टू मेथड्स टू सॉल्व, एटलीस्ट टू मेथड्स टू सॉल्व अ डबल इंटीग्रल, बट दिस एग्जांपल टेल्स यू दैट समटाइम्स इट इज़ इजियर टू सॉल्व अ डबल इंटीग्रल यूजिंग वन मेथड एंड इट इज़ वेरी हार्ड टू सॉल्व द सेम इंटीग्रल यूजिंग द सेकेंड मेथड, ठीक है। तो एक मेथड से आप देखोगे कि जब आप डी ए की जगह पर डी वाई डी एक्स रख रहे हैं तो बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जा रहा है, आप देखेंगे, लेकिन जैसे आप डी एच डी वाई करते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। तो बेसिकली ये एग्जांपल आपको ये सिखाता है कि आपको बहुत ही वाइजली, मतलब बहुत ही ध्यान केयरफुली चूज करना है कि डी वाई डी एक्स होगा या डी एच डी वाई होगा, और अगर डी एच डी वाई से नहीं हो रहा है तो आपको घबराना नहीं है और डी वाई डी एक्स कर देना है, ओके। सो पहले हम इस मेथड से देखते हैं, डी वाई डी एक्स किया हमने, तो यहाँ पे अंदर वाई डी वाई है तो अंदर वाले जो लिमिट्स होंगी वाई की होंगी, तो वाई इज ऑब्वियसली 0 to 1 और एक्स ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले अंदर वाला इंटीग्रल सॉल्व करेंगे हम बेसिकली, ये इसमें डी वाई है मतलब वाई वेरिएबल है तो एक्स कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। एक्स वाई को हमने मान लिया कुछ भी दूसरा वेरिएबल सपोज यू, ठीक है, याद रखना हम अंदर वाले इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पर एक्स कांस्टेंट को इतना ले रहे हैं, एक्स सपोज एक्स फाइव है तो ये ऐसे है लगभग 5e to the power 5y, इस टाइप क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स कांस्टेंट है यहाँ पे, तो यू ये है तो डी यू क्या हो जाएगा एक्स डी वाई, बिकॉज एक्स कांस्टेंट है, तो इससे क्या होगा एक्स डी वाई की जगह हम डी यू रख सकते हैं, ठीक है। तो अंदर वाला जो इंटीग्रल है वो हो जाएगा इंटीग्रल एक्स डी वाई को हम रख सकते हैं डी यू एंड ई की पावर एक्स वाई हो जाएगा ई की पावर यू। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो ये तो लिख देते हैं, मतलब जो पूरा फंक्शन ऑफ एक्स और वाई था, मतलब जो जो एक्सप्रेशन एक्स और वाई के टर्म्स में था वो अब यू के टर्म्स में हो गया है, बट लिमिट चेंज नहीं करते, लिमिट 0 to 1 ही रख देते हैं, ये एक मिस्टेक है। और इसको आप ऐसे कंटिन्यू करोगे ऐसे, ठीक है, एंड ई पावर यू की जो सॉरी की पावर यू का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू यू, ये की पावर यू हो गया, यहाँ की पावर 1 मतलब ई, माइनस की पावर 0 मतलब 1, ई माइनस 1 आ गया,
ठीक है, जबकि इसका आंसर आना चाहिए कितना, e की पावर एक्स माइनस वन। ठीक है, तो ये मिस्टेक क्यों हुई, बिकॉज अगर आपने यू में चेंज कर दिया है तो यू की भी नई लिमिट्स रखोगे आप, ये जो लिमिट्स रखते हो ये वाई की लिमिट्स थी। ठीक है, तो जब वाई जीरो था, यहाँ पे रखेंगे आप, देखो वाई जीरो था यहाँ पे, तो यू क्या है, जीरो, विच इज़ फाइन। बट जब वाई वन था, यहाँ पे वाई वन रखेंगे तो यू क्या हो जाएगा, एक्स, तो यहाँ आपको फिर एक्स रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस वन, विच इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बट इस बुक के नेक्स्ट पेज में आप देखोगे इन्होंने ऐसे किया है, ये तो इन्होंने बेसिकली क्या किया, इन्होंने पहले इसको मतलब जो, जो अंदर वाला जो इंटीग्रल है, फिर से वापस चले जाते हैं, ये जो इंटीग्रल अंदर वाला, ओके, इन्होंने इस अंदर वाले इंटीग्रल को पहले ऐसे लिखा, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने यू की जगह वापस एक्स वाई रख दिया, मतलब इन्होंने बोला कि हम नहीं चाहते कि हमें कोई यू नया वेरिएबल यूज करना पड़े, तो बेसिकली इन्होंने ऐसे कर दिया, सॉरी सॉरी, तो इन्होंने क्या किया, इसको बिल्कुल ऐसे आए, ठीक है, ई की पावर यू हुआ, लेकिन ई की पावर यू का इंटीग्रल निकाला, फिर ये हुआ, यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया कि ई की पावर यू की जगह पे वापस रख दिया एक्स और वाई। तो जब ऐसे करेंगे आप, क्योंकि यू की जगह वापस रख देंगे एक्स और वाई, तो चूंकि एक्स और वाई वापस आ गए हैं, तो लिमिट्स पुरानी ही रखी जाएंगी, जीरो और वन, ना कि जीरो और एक्स। ठीक है, तो इतना कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने यू में कन्वर्ट कर ही दिया है, तो वापस यू की जगह एक्स वाई रखने कोई कोई मतलब कोई फ़ायदा नहीं लगता मुझे। ओके, तो आई थिंक यू में इंटरचेंज कर दिया आपने, यू में एक्सप्रेशन को रिप्लेस कर दिया है, तो यू की ही लिमिट्स रखी है एंड प्रोसीड लाइक दिस। ओके, तो एनी वेज, तो अंदर वाला जो इंटीग्रल है उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी पावर एक्स माइनस वन, बट वी ऑल्सो हैव वन इंटीग्रल विच इज़ द आउटर इंटीग्रल। ठीक है, तो आउटर इंटीग्रल फिर से तैयार हो गया हमारे पास, एक डेफिनेट इंटीग्रल, इसको सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वी विल गेट दिस। ठीक, बट इसी क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे डी ए को डी एक्स डी वाई लिखेंगे, तो आप इसको देख सकते हैं कि थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यहाँ पे खुद खुद से देख सकते हैं आप। ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व करना थोड़ा टफ हो जाएगा इन कंपेरिजन ऑफ दिस, ये बहुत ईजी था। ठीक है, तो अगर डी एक्स डी वाई रख के नहीं होता है सॉल्व या बहुत टफ लग रहा है, तो आप डी वाई डी एक्स भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस सेक्शन इज अ क्विक फैक्ट दैट कैन बी यूज टू मेक सम इटीरेटेड इंटीग्रल्स और रिपीटेड इंटीग्रल्स सम वॉट ईजियर टू कम्प्यूट ऑन ओकेजन। मतलब ये बोल रहे हैं कि कुछ डबल इंटीग्रल इस टाइप के होते हैं, कुछ इटीरेटेड इंटीग्रल इस टाइप के होते हैं, जिनको सॉल्व करना काफ़ी ईजी हो जाता है। और वो किस टाइप के इंटीग्रल्स होते हैं, ऐसे डबल इंटीग्रल जिसमें एफ सम जो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है वो इस टाइप में हो, सम फंक्शन ऑफ एक्स अलोन इंटू सम फंक्शन ऑफ वाई अलोन, या फिर इस टाइप में हो। ठीक है, मतलब अगर जो आपका फंक्शन है, इंटीग्रेंड है, जिसको आप इंटीग्रल निकालना चाहते हो, वो दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, जिनमें से एक फंक्शन में केवल एक्स है, वाई नहीं है, और दूसरे फंक्शन में केवल वाई है, एक्स नहीं है। ठीक है, अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो ऐसे नहीं थे, जैसे इस क्वेश्चन को ही ले लीजिए आप, इसमें जो एफ एक्स वाई है वो है एक्स की पावर एक्स वाई, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते कि सम फंक्शन ऑफ एक्स इंटू सम फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, तो ये इस मेथड से सॉल्व नहीं होगा, बट अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस हैं तो कैसे हैंडल करेंगे, पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, जैसे इसमें एक्स कॉस स्क्वायर वाई है, तो एक्स अलग कर लीजिए, कॉस स्क्वायर वाई अलग कर लीजिए, तो एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स अलोन एंड दिस कॉस स्क्वायर वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई अलोन, केवल वाई का ही है और ये केवल एक्स का ही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये रहा आपका आंसर। सो अगर फंक्शन ऐसा है, देन आपको क्या करना है, जी एक्स का अलग से इंटीग्रल करना है और लिमिट्स एक्स की लिमिट्स आ जाएंगी, और एच वाई का अलग से इंटीग्रल करना है और वाई की लिमिट्स आ जाएंगी, और जो आएगा उनको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इसका आंसर इन्होंने इन्होंने पीछे नहीं दे रखा था आई थिंक। ओके, ये सो सॉल्यूशन मैं क्लिक करना मैं भूल गया था, तो
ये आंसर छिप गया एक तरह से। एनीवेज तो ये सॉल्व कर रखा है, आप देख सकते हैं। तो ये x वाला इंटीग्रल अलग हो गया, तो x की साथ लिमिट्स किसके आएंगी, डी एक्स मतलब x वाली, ये है x वाली लिमिट्स। वैसे y वाली ये हैं, इनको सॉल्व करेंगे आप तो आप देख सकते हैं कि ये cos स्क्वायर वाई को मैंने ये लिख दिया बिकॉज वी नो दैट cos 2y क्या होता है, 2 cos स्क्वायर वाई माइनस वन। ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, ये फार्मूलाज बहुत काम आते हैं। 5/5 π/8 इज़ द आंसर, एंड चेक योर सेल्फ वेदर दिस आंसर इज करेक्ट और नॉट, मे बी दिस इज क्वाइट दिस आंसर मे बी रॉन्ग। ओके सो ओके इसकी जरूरत नहीं है, दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। सो बेसिकली तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे डबल इंटीग्रल्स के। तो हमने देखा कि दो टाइप के एग्जाम्पल्स देखे हमने, एक जो इस टाइप के होते हैं और दूसरे जिसमें जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है वो दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है जिनमें से एक में केवल एक्स है दूसरे में केवल वाई है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा केयरफुल रहने वाली बात यह है कि आप लिमिट्स पहचानी आनी चाहिए, अगर अंदर डी वाई है तो अंदर वाली लिमिट वाई की होंगी, ठीक है। और आप डी वाई डी एक्स को डी एक्स डी वाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड सो डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन योर सेल्फ एंड गेट कम्फर्टेबल इन दिस डबल इंटीग्रल क्वेश्चन। In the next video, we will see some applications of double integrals and change of variables also. Okay, see you.